सो फाइनली दोस्तों आईफोन का अपडेट आ गया है, जो iOS 18 अपडेट है वो फाइनली लॉन्च कर दिया गया है। ये कल रात में लॉन्च हुआ है, बट मैं वीडियो नहीं बना पाया दोस्तों, क्योंकि रात हो गया था। तो 11 बजे मतलब 16 तारीख को 11 बजे ये अपडेट आया है, तो ये मैं आज 17 तारीख को वीडियो बना रहा हूं। तो ये अपडेट का साइज कितना होने वाला है, कैसे अपडेट कर सकते हैं, सारा प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा दोस्तों। अगर हमारी वीडियो पूरे देखते हैं दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल बनाए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, प्यार बनाए रखना, और कोई भी बात होती है मुझसे बात करनी होती है मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली DM करना, मैं आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई करूंगा। कोई भी सॉल्यूशन कोई भी हेल्प होती है तो मैं आपकी जरूर करूंगा। सो दोस्तों बिना टाइम इसकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखते हैं, जैसे कि कल अपडेट आया तो मैंने स्क्रीनशॉट रख लिया, जैसे कि अपडेट आ गया, ठीक है। तो मैं अपडेट जैसे क्लिक किया तो यहां पर अभी 17.7 अपडेट आया है, पहले 17.6 अपडेट था, ठीक। तो यहां पर 17.7 अपडेट आया, तो ये है इसका जो साइज होने वाला है। आप सोचेंगे ये तो 18 अपडेट था, मतलब iOS 18 अपडेट था, तो यहां पर नीचे देख सकते हैं, नीचे अवेलेबल दिख रहा है कि iOS 18 अपडेट यहां पर भी है। बट एक चीज ज्यादा ध्यान रखना होगा भाई, वो सबसे ज्यादा बोल लो क्या गलती करते हैं, पहले ही iOS 18 अपडेट कर दें, बट ये गलती कभी नहीं करना होगा आपको। पहले अगर आपका 17 अपडेट रहता है, मतलब 17.7 अपडेट नहीं रहता, तो आपको 6 से जैसे आप 17.6 अपडेट रहता है, उसके बाद ये 17.7 अपडेट कर लीजिएगा। इसका साइज जो होने वाला, इसका साइज होने वाला 700 MB, यहां पर लिखा है 633 MB होने वाला, ठीक। तो इसको अपडेट करने के बाद, जैसे आप इसको अपडेट करते हैं, अपडेट करने के बाद यहां पर फाइनली अपडेट आपका हो जाता है। इसका जो साइज होता है मैंने बता दिया, 600 से 700 MB तक होता है। तो अपडेट करने के बाद यहां पर फाइनली आप देख सकते हैं हमारा iOS 17.7 अपडेट हो गया। अब देख सकते हैं, अब आपको क्लिक करना होगा 18 अपडेट पर, ठीक है। जैसे क्लिक करते हैं अब इसका साइज देख सकते हैं भाई, कितना साइज है, ये है 6.71। यहाँ 6700 MB का दिया गया है अपडेट, भाई कितना खतरनाक अपडेट है, 7 GB का अपडेट दिया गया। तो भाई इसमें चेंजेस, अगर इतना अपडेट दिया गया है तो काफी इसमें चेंजेस भी होंगे। तो वो चेंजेस में यहाँ पर देखते हैं आपको कैसे इसको अपडेट करना होगा। यहाँ पर अपडेट पे जैसे क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ टर्म एंड कंडीशन आते हैं कि भाई भाई क्या होता है, कभी कभी अपडेट जो होता है ये जैसे बग वगैरह होते हैं तो आपके फोन को क्रैश कर सकते हैं, मतलब ऐसा डरिए मत। जैसे कभी कभी फोटोज वगैरह डिलीट हुई हो जाते हैं, या तो आपको सारा बैकअप कर लेना होगा, कि बाय द वे होती भी है, तो इसका कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए टर्म कंडीशन सारे एग्री करा लेता है आपसे। उसके बाद जैसे कि यहां पर फाइनली हमारा अपडेट हो गया, अपडेट होने के बाद देखते हैं, अपडेट जैसे हुआ तो हमारा सॉफ्टवेयर अपडेटेड, ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेटेड iOS 18, मतलब ये हो गया, इंस्टॉलिंग हो रहा है। इंस्टॉलिंग करने की आपको जैसे कि इंस्टॉल पे नाउ पे क्लिक करते हैं, तो आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, ये करने से पहले सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा, आपका फोन हमेशा 40 से 50% चार्ज होना चाहिए, मतलब 40 या 50% चार्ज होने चाहिए, इससे नीचे आपका फोन चार्ज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका फोन क्रैश हो सकता है, बंद ही के बंद हो सकता है, फिर ऑन नहीं होगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना होगा। ऊपर से यहां पर जैसे ये फाइनली हमारा अपडेट हो गया, अपडेट होने के बाद अब दोस्तों यहाँ का जो पैनल वगैरह है यहाँ पर चेंज हो गया, मतलब यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि हम अगर डाटा ऑन करते हैं तो डाटा का पैनल, एरोप्लेन मोड का पैनल, सारा ब्लूटूथ का पैनल, यहां तक ये हम जब इसमें स्मूथनेस काफी अच्छा आ गया, जैसे कि मैं ऊपर नीचे करता हूं, जैसे छोड़ देता हूं फिर नीचे करता हूं, तो इसमें स्मूथनेस मुझे काफी अच्छा देखने को मिलता है। ऊपर से यहां पर ये सब पैनल ऐड कर दिया गया, जैसे कि मैं सेटिंग में जाता हूं, सेटिंग का भी सारा इसमें पैनल सेटिंग सब चेंज कर दिया गया है। अगर मैं जर्नल में जाता हूं तो पहले सेटिंग कुछ और था, अब यहां पर सेटिंग कुछ और आता है। और यहां पर अवार्ड फोन में जाता हूं तो यहां पर iOS 18 अब दिख रहा है कि हमारा अपडेट हो गया। यहां पर देखते हैं फाइनली यहां पर अपडेट हो गया। तो दोस्तों आई होप हमें वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये आपको अपडेट कैसा लगा दोस्तों, क्योंकि मैं अभी जल्दी नई वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा इसका हिडन फीचर्स और भी क्या क्या इसके अंदर फीचर्स होते हैं। तो दोस्तों आई होप हमें वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल बनाए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, सपोर्ट बनाना। फिर मिलते हैं दोस्तों एक अच्छे टेक्निकल वीडियो में, तब के लिए दोस्तों बाय बाय, टाटा।